नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठाकुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार। 30 दिनों के अंदर हमारे देश के 10 जवान कश्मीर की घाटी में शहीद हो गए। कश्मीर की घाटी से सबसे बड़ी राहत की खबर 5 मई को सामने आई। टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी घाटी में मारा गया। अपने गांव अपनी मां से मिलने पहुंचा था, उसी बीच इंडियन आर्मी ने उसे ढेर कर दिया। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी था। इस आतंकी पर 12 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। कई बार इसे पकड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से हर बार गांव से भागकर निकलता था। 5 मई को रियाज अपने गांव बेगपुरा अपनी बीमार माँ से मिलने आया था। रियाज के गाँव में होने की खबर जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को लगी, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। नायकों के साथ 2-3 आतंकी उसी गांव में छिपे हुए थे, जिनकी देर रात 5 मई को रियाज के साथ ही एनकाउंटर कर उन्हें मार गिराया गया। रियाज एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए सड़क के रास्ते कम ही जाता था, यहाँ तक कि अपने घर तक पहुँचने के लिए भी उसने एक सुरंग बना रखी थी। 5 मई को भी देर रात इलाके में उसकी मौजूदगी जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को मिली, सेना ने सबसे पहले उस सुरंग को खंगालना शुरू किया जो उसने अपने घर जाने के लिए तैयार की थी। खुद को शाते समझने वाला आतंकी शायद ये भूल गया था कि जो सुरंग उसने अपने घर जाने के लिए तैयार की थी, वही उसका मौत का कारण बन जाएगी। रियाज के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी वैद ने कहा कि वो कई पुलिसकर्मियों के किडनैपिंग और मर्डर के मामलों में जिम्मेदार था। कौन है रियाज नायकू और कैसे इस मोस्ट वांटेड आतंकी की जुल्म की दास्तां शुरू हुई, जानने के लिए आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन में साल 2012 में शामिल हुआ था। वो इस टेररिस्ट ग्रुप के सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बहुत खास था। सलाहुद्दीन को अमेरिका की ओर से साल 2017 में ही वैश्विक आतंकवादी यानी कि इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका था। कश्मीर में साल 2016 में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद नायकू ने कमांडर की बागडोर संभाली थी। आतंकी जाकिर मूसा ने साल 2017 में हिजबुल से अलग होकर अपना खुद का आतंकी संगठन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया अंसार गजवतुल हिंद बनाया था। इसके बाद नायकू ने हिजबुल को कश्मीर में संभाला। मूसा 2019 में मारा गया था। रियाज नायकू कश्मीर में लंबे समय तक एक्टिव रहने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी था। वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। नायकू ने कई सुरक्षाकर्मियों के परिवार वालों की किडनैपिंग और मर्डर किए भी और करवाए भी थे। कश्मीर घाटी के कई युवाओं को गुमराह करके उसने उन्हें भी अपनी तरह आतंकी बनाया था। घाटी में किसी आतंकी के मारे जाने पर उसे बंदूकों से सलामी देने का चलन भी रियाज नायकू ने शुरू किया था। रियाज की स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी में बहुत थी। एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने के बाद उसने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन देने की बात भी कही थी। नायकू सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर साल 2016 में पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत के बाद आना शुरू हुआ था। अवंतीपुरा के दुर्बक के नायकू मोहल्ले का निवासी नायकू घाटी के सबसे खतरनाक कैटेगरी यानी कि A++ में आता था। एक इंटरव्यू के दौरान रियाज के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था, मैथ्स में बहुत अच्छा था, कंस्ट्रक्शन में उसका इंटरेस्ट था। 12th क्लास में मेरे बेटे को 600 में से 464 नंबर आए थे। वो एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स भी पढ़ाने लगा था, लेकिन मेरे लिए वो साल 2018 में ही मर चुका है, जिस दिन मुझे उसके टेररिस्ट ग्रुप में शामिल होने की खबर मिली थी। स्कूल टीचर से रियाज आतंकी बन गया। रियाज नायकू स्कूल टीचर से आतंकी कैसे बना, इसके बारे में बताया जाता है कि साल 2010 में एक प्रदर्शन में 17 साल के अहमद मट्टो को की आंसू गैस का गोला लगने से मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उस प्रदर्शन में नायकू भी शामिल था।
मौत के बाद घाटी में काफी कुछ बदला। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। रियाज नायकू भी उस गिरफ्तारी में शामिल था। जब साल 2012 में उसे जेल से छोड़ा गया तब वो बिल्कुल बदल चुका था। यही वो साल था जब नायकू हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू।